For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi, this is Zaid Iqbal. Hi, this is Pranutan Bahal. And you're watching us on Movies Adda. वो लैला सी और ये मजनू सा मशहूर होगा और फिल्म रिलीज होने के बाद ये जरूर होगा, होगा कि नहीं? देखना, एक दिन जरूर होगा, होके ही रहेगा, मैं करवा के रहूंगा. एंड आई थिंक ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि फिल्म रिलीज होने के बाद ऐसा डेफिनेटली होगा और मैं तो इस बात पर ठप्पा लगा चुकी हूँ, मीडिया भी लगा चुकी है. ट्रेलर सबको बहुत पसंद आ रहा है और आप दोनों बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं. लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, एक साथ क्यों नहीं हो अभी तक एक भी फ्रेम में सिवाय इंटरव्यूज के? है ना, हमारे हाथ मिलते हैं, मुझे मैं रोक पकड़ता हूँ. बट लोग कह रहे हैं कि हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि फ्रेम में बिना आए साथ में केमिस्ट्री नजर आ रही है. तो अच्छा, सो ओके, आगे क्वेश्चंस पूछने से पहले मेरे पास एक सवाल है आप दोनों के लिए, ठीक है? व्हाई डजंट अ नोटबुक मूव? क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है नोटबुक, सो ये दिमाग में मेरे ऐसा सवाल आया, व्हाई डजंट अ नोटबुक मूव? वन सेकंड, आई लाइक दिस. व्हाई डजंट अ नोटबुक मूव? बिकॉज स्टेशनरी. Wow, she's so intelligent. Well done. Yes, well done. Because well done. It's a stationary object, so it can't move. Wow, so high five. She was older than this before. No, I did not. No. Okay, so सबसे पहले मैं viewers. She before was cheating though. I didn't cheat. She told me 2 years ago she didn't cheat. Open my mouth. See, it's it. I admit it. So now you admit that she's smarter than you? I always admit that. I don't. She's not smarter than me. She's more educated than me. Yeah. Big difference. Because उन्होंने law किया है. Yeah, but that's true. I always say that education has nothing to do with your intelligence. Right. It doesn't determine your intelligence. Yeah. काबिल बनो बेटा काबिल. कामयाबी झक मरा के पीछे आएगी. Okay, so झक मार के कामयाबी आपके पीछे तो आने वाली ही है क्योंकि ट्रेलर जबरदस्त है इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह कह के आपने सलमान की आने वाली फिल्म भी आई गेस प्रमोट कर दी. समझ गया, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ सब जगह, सब फैमिली में, सब फैमिली. सो मैं व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि फिल्म की एक ऐसी USP बताइए कि ऑडियंस थिएटर तक क्यों जाए. आई थिंक USP सबको पता है कि हीरो हीरोइन मिलते नहीं है पिक्चर में, तो यही तो है USP. एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी एक दूसरे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. और आप जो फिल्में देखते हो जहाँ लड़का और लड़की पूरे फिल्म में एक साथ है, आपको उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्यार दिखाई देगा इस पिक्चर में. तो कभी भी ऐसा लगा कि यार एक शॉट तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हम लोग मिल रहे हैं? क्योंकि यूजुअली हम जो जैसी बॉलीवुड फिल्में देखते हैं ना, तो ऐसा होता है हैप्पी एंडिंग में यही होता है एट द एंड कि हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. तो ट्रेलर्स में भी यू नो वी आर डाइंग सॉन्ग्स में भी एक बार दोनों साथ में दिख जाए, प्लीज एक बार दोनों साथ में दिख जाए. हम भी चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा काम करें, और हमने कई बार कोरियोग्राफर्स को और डायरेक्टर को रिक्वेस्ट भी किया है कि सर ये अगर एक ड्रीम सिक्वेंस हो गया तो गाने में वो मुझे इमेजिन कर रही है, वो पानी में मुझे देख ले या ऐसा कुछ और मैं आ जाऊँ पिक्चर में. लेकिन वो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी क्योंकि वो एक हॉरिबल टेरिबल खराब सा आइडिया था. और हम जब नितिन सर को आप अगर कुछ पूछे ना कि सर ये कैसा लगता है, तो बोलते हैं कि नो इट कैनॉट बी लाइक दैट. सो वाई सर? बिकॉज दैट इज़ गुड स्टोरी टेलिंग. ही टोल्ड मी दैट डे. सो आई सेड सर व्हाई वी डिडंट डू दैट, व्हाई वी रिमूव दैट? ही सेड बिकॉज इट्स गुड स्टोरी टेलिंग. सेड ओके, आई विल आर्ग्यू विद यू अबाउट स्टोरी टेलिंग. डेब्यू फिल्म है ऑफकोर्स दोनों की, सो कैसा एक्सपीरियंस था ऑल इन ऑल? यू नो बिकॉज बॉलीवुड फिल्म्स आर लाइक लव, जैसे आप उनको शूट करते हो, जिस तरह के इमोशंस ऐड करते हो, एक एक गाने में इमोशन होते हैं, एक एक वर्ड में, सीन में. तो कैसा एक्सपीरियंस था किसी फिल्म को शूट करना सबसे पहले, और ऊपर से डेब्यू है, ऊपर से SKF फिल्म्स है, बट कैसा एक्सपीरियंस था ऑल इन ऑल? सो आई थिंक इन पर्टिकुलर मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि मुझे मोनोटनी पसंद नहीं है, जहाँ सेम डे हर रोज़ आप वही सेम चीज़ कर रहे हो, सेम टाइम पे उठ रहे हो, सेम जगह जा रहे हो. तो आई थिंक अ फिल्म सेट इज़ वन प्लेस वे देयर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ मोनोटनी, क्योंकि आप हर रोज़ कुछ अलग चीज़ें कर रहे हो, अलग लोगों को मिल रहे हो, अलग लोगों के साथ सीन्स कर रहे हो, तो अलग इमोशंस में पूरा दिन बिता रहे हो. तो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग था और मैं ज़िंदगी भर ये करना चाहता हूँ, जब हर रोज़ मैं उठूँ और किसी और का कैरेक्टर प्ले करूँ. आई वॉन्ट टू नो हाउ इट फील्स टू बी यू. सो ट्रू एंड व्हाट इज मीनिंग टू से. हाँ, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, हमेशा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आप किसी चीज़ को पूरी ज़िंदगी आप किसी चीज़ का एक सपना देख रहे हो और इट मीन्स अ लॉट टू यू, और एक्चुअली जब आप देखते हो उसको होते हुए, अभी मैं सोचती हूँ गॉड 10 दिन है और 10 महीने हो गए ऑलमोस्ट नोटबुक के साथ जी कर,
और हमेशा रहेगा वो मेरे दिल में ऑब्वियसली, और बहुत ही स्पेशल रहेगा. हर एक इंसान जिससे मैंने जिसके साथ मैंने काम किया, जिससे जिसके साथ मैंने इतना सीखा है, और आई थिंक नोटबुक की सबसे बड़ी बात है कि जो भी की रोल्स सबने जो निभाए हैं, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स हों या हमारे डायरेक्टर हों, मेरे को एक्टर्स हों, सब को एक्टर्स, इवन द कश्मीरी को एक्टर्स, उन सबका दिल इतना अच्छा है और इतना बड़ा है कि आई थिंक दे हैव जस्ट मेड नोटबुक इवन मोर ब्यूटीफुल. कश्मीर में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज यू नो हम सब ने देखा है कश्मीर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, और माशाल्लाह क्या सीन्स है आप लोगों की फिल्म में. एक एक फ्रेम इतना ब्यूटीफुल है, मतलब यू जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. ठीक है, लाइक अ पेंटिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल. आप लोग उस पेंटिंग के पिकासो लग रहे हो. सो कैसा है ऑल इन ऑल कैसा एक्सपीरियंस था कश्मीर में शूट करने का? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. और आई मीन कश्मीर की वादियाँ तो हैं ही खूबसूरत, लेकिन वहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं. और मैं वही कह रही थी कि द ब्यूटी दैट कश्मीर हैज़ नो, इट रिफ्लेक्ट्स इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल देयर. मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे लोग और ना ही देखे हैं, और आई डोंट नो अगर मैं कभी देखूंगी, क्योंकि इतने वॉर्म हैं, इतने हॉस्पिटेबल हैं. मेहमान नवाजी में कोई उन्हें बीट नहीं कर सकता. मेहमान नवाजी नहीं, बट जस्ट टू दैट वो दिल जो है उनका इतना बड़ा, या अच्छाई में, एग्जैक्टली, नोबडी कैन बीट देम, दे जस्ट अमेजिंग पीपल. अच्छा, सलमान बच्चों से कितना प्यार करते हैं ये तो किसी से भी छुपी नहीं है, ये बात ये सब जानते हैं इस बात को. और इस फिल्म में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, और इतने क्यूट क्यूट बच्चे, बिकॉज ट्रेलर लॉन्च पे भी हमने देखा, एंड दे आर रियली यू नो अफेक्शनेट टूवर्ड्स बोथ ऑफ यू. जैसे वो स्टेज पे भाग के आए ट्रेलर लॉन्च पे, यू नो, और उनको आपके नाम से नहीं, वो आपके कैरेक्टर नेम से आप लोग को बुला रहे थे, फिरदौस और कबीर. सो बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? द बेस्ट, कमाल का एक्सपीरियंस था. आई थिंक दे वर द लाइफ ऑफ द फिल्म. उनसे वो ठीक है, जो हमने बहुत मस्ती मजा किया, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी थी कि हम उनसे इंस्पायर होते थे रोज़ सुबह. वो जिस एनर्जी के साथ सुबह 7 बजे आते थे, और हम टेंट में ऐसे बैठे, हाँ मेकअप चालू है, हेयर चालू है, अच्छा हाँ क्या करना है, और अभी अभी उठे हैं, 15-20 मिनट हुआ है, और वो आते थे एक्साइटेडली कि क्या करना है सर, कैसा करना है. और जब हम थोड़े सीन्स भी करे थे, जहाँ एक बच्ची है शमा, उसको भीगना था पानी में, एक स्टॉर्म सीक्वेंस है, और हम पूरा दिन भीग रहे थे, 12 घंटे वो कॉन्स्टेंटली भीग रही थी, जाके चेंज कर रही थी, वापस बाल बाल बना के वापस आ रही थी, एक उफ नहीं किया उसने. तो मोर देन एनीथिंग वी हैव बीन इंस्पायर्ड बाय दीज किड्स टू वर्क हार्डर एंड टू जस्ट बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम. एंड कभी कभी वो हमारे जैसे, एक बार आई थिंक दे ड्रेस्ड लाइक अस, तो ऑल द बॉयज ड्रेस्ड लाइक कबीर एंड ऑल द गर्ल्स ड्रेस्ड लाइक फिरदौस, एंड देन दे केम टू अस एंड दे सेड हु आर वी लुकिंग लाइक, एंड वी लाइक कबीर सर एंड फिरदौस टीचर. सो ऑल्सो ड्यूरिंग द शूट दे यूज्ड टू कॉल अस हमारे नाम से. मैंने उनको अपना नाम नहीं बताया, बिकॉज आई डिडंट वांट देम टू नो मी, आई वांटेड देम टू नो मी एज फिरदौस टीचर. सो दे यूज्ड टू कॉल मी फिरदौस टीचर ओनली. उनको शूट के 20-25 दिन होने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हमारा नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने हमें गूगल किया. उन्होंने नोटबुक टाइप किया, नोटबुक से गूगल पे आया, हीरो ये है, हीरो नहीं है. हाँ, और उन्होंने आके बोला हमको पता है आपका नाम क्या है, फोन रख दिया, ये देखो वीडियो, हमारे पास सबूत है कि आप कौन हो. और बहुत पूछा एक्चुअली, लेकिन हम लोग ने नहीं बताया. ओके, सो मैं, इस फिल्म का एक बहुत बड़ा बैकबोन है सलमान खान, ऑफ कोर्स. ठीक है, गाने भी सलमान ने खुद गाना भी गाया है. गाने तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट. लेकिन सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे स्पेशली? आई थिंक देता तो ऊपर वाला है, लेकिन जरिया इंसान बनता है. तो थैंक यू भाई फॉर बींग माई जरिया एंड आर जरिया, जहीरों का जरिया, हैशटैग जहीरों का जरिया. वाह, ये मैं यूज़ करूँगा, मैं पिक्चर हिट होने के बाद मैं ये हैशटैग डालूंगा. थैंक यू भाई फॉर बींग ज़हीरों का जरिया. जी ऑफ कोर्स, 100% कर्टिसी आई विल गिव यू. लेकिन हाँ, ही इज, आई कैन एक्सप्लेन व्हाट आई, द अमाउंट ऑफ लव आई हैव फॉर हिम एंड व्हाट आई फील फॉर हिम, बिकॉज आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम एंड ऑल थैंक्स टू हिम. एंड या, आई मीन आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बिकॉज सडनली व्हेन यू आस्क मी टॉक अबाउट भाई, 10,000 थॉट्स कम माई हेड विच आई वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर, 10,000 इंसिडेंट्स आई वॉन्ट टू जस्ट प्रेज हिम फॉर. But yeah, all I can say is that he is a man that I am trying to be, and I hope someday I can be half the man that he is, and I'll consider myself a very lucky human being. What do you have to say?
या डेफिनेटली आई मीन उनके साथ कोई भी वक्त गुजारना आई थिंक चाहे वो एक घंटा हो या दो घंटे हो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है. और हम हंसते ही रहते हैं जब उनके साथ होते हैं. आई थिंक वो एक इंसान के लिए सबसे इट्स द बेस्ट क्वालिटी. इफ़ यू कैन मेक समवन लाफ इट्स माय फेवरेट क्वालिटी इन अ पर्सन. सो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी. एंड हिज एडवाइस यू नो ऑफ वर्किंग हार्ड ऑलवेज बीइंग देयर फॉर पीपल ऑल ऑफ दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज चेरिश. सो या सो लास्टली जाते जाते फैंस को और व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? I would like to wish all the viewers of Movies Adda a very, very happy and prosperous and colorful Holi, a wonderful year. Please be safe while you play Holi, and also go watch Notebook on the 29th of March 2019 at a theater near and away from you. We made the film with lots and lots of love. We put in lots of effort, and I think we've done quite a decent job. So please go out there and show your love and your support. And and listen to all the songs, because we keep checking how many views it's gotten. Also that we do read and like all your comments that you guys leave for us on Instagram. I'm sorry we can't reply to all of them, but we will try to reply to as many as we can. As soon as we are free with promotions, we will go back to the pictures from the first of this month and reply to each and every one of you. Lots and lots of love. And now Pranav will give her message. Yeah. Just wishing all the viewers a very, very happy Holi. Please be safe, be happy and spread lots of love, because that's the point of Holi. And also don't waste too much water. I know that it's very exciting to play Holi, but just keep a little bit of that in mind. Balance is much, key. Yeah, balance is key. You see how we're balancing it up? When she's sitting up like that, I'm sitting down. Okay. Also, lastly, सलमान खान की फिल्म भारत आने वाली है ऑफ कोर्स, जिसमें वो कटरीना के साथ नजर आने वाले हैं और दोनों की जोड़ी इज इंशाल्लाह माशाल्लाह व्हाटएवर अल्लाह व्हाटएवर आई कैन से व्हाटएवर. सो तो उनकी जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और सलमान को कितनी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? भाई को ऑब्वियसली पूरी दुनिया हर चीज़ में वो जो भी करते हैं उसमें बेस्ट विशेज़ ये हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं. और भारत आई एम श्योर मैंने काफ़ी कुछ देखा है इस पिक्चर के बारे में, काफ़ी कुछ शूटिंग पे रहा हूँ और ये पिक्चर कमाल की होने वाली है. तो पहले नोटबुक देखो और फिर जाके भारत भी देखो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह भी देखो, फिर दबंग भी देखना और फिर उसके बाद क्या आ रहा है हाँ तो जितने भी फिल्म आ रहे किक भी आने वाली है मैंने सुना है. तो सब देखो आप, हर हफ्ते पिक्चर देखते ही रहो यार, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक एक पिक्चर देखते जाओ, जितने भी पिक्चर है सब देख लो तुम. No, I think obviously, I think Salman sir and Katrina have always created amazing magic on screen, and it's beautiful to see them together. Like as an audience, I love them together. Yeah, yeah, yeah. I think this they're both so good looking and hot, and it's not just that. I think two hot people can also not look good together, but they do. They've got an amazing chemistry. They really complement each other in some way. I can't tell how. Like can't explain got, it, but she's got this magical whenever they're together. Yeah, yeah, yeah. She's got this silence, and he's got this humor, and it's just very nice to see them together. And I'm just looking forward to Bharat. I've also hung out on the sets of a little bit. There was a time when Ali almost a photo shoot. I think Ali almost thought we were aiding or something. Because we used to go every day to Film City. But although we wouldn't mind, Ali, if you could please hire us as ADs. Can't bro, I don't want to be assistant director again. I don't mind. It's a very hard job. So all the best guys, and thank you so much for joining us on Movies Adda, and I wish ki wo zarur hoga aap dono ji kya hoga dekhna ye zarur hoga dekhna ek din notebook mashhoor hoga kyunki actress hai Pranutan aur actor Zaheer hoga aur film mashhoor definitely hoga yaar. Film to achhi hai hi, trailers bhi bahut acche hai, film achhi hone wali hai. Aur jaate jaate main ye bolna chahungi ki please 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 ye film zarur dekho. Aur inka interview kaisa laga? Ye dono itne candid hain, dono itne cute hain, dono itne bubbly hain, to ye dono kaise lage? Of course you are both ओके. सो आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. बोल तुम कमेंट प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब टू मूवीज अड्डा और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, ज़हीर ने आपको कितना तंग किया और मैंने आपको कितना एंटरटेन किया, मैंने कितना तंग किया और इन्होंने कितना हंसाया. ओके ओके समझ गए ना.